हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 12th बायो चैप्टर 2, उसका नेक्स्ट पार्ट। पिछली बार हमने इसमें पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी प्लांट का। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जिसे कहते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर द पिस्टल। पिस्टल के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा इसमें। अब हम स्टार्ट करते हैं, पिस्टल क्या होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। यहाँ फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। द पिस्टल और कार्पल ऑर्गेनोशियम, यानी इस पिस्टल के या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का, उसके इतने सारे नाम होते हैं। ये सभी नाम आपको लर्न करने हैं। इसे हम पिस्टल भी कह सकते हैं, कार्पेल भी कह सकते हैं और गायनोशियम भी कह सकते हैं। ये तीनों ही नाम जो हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के होते हैं। इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, ये तीनों ही या तीनों का जो है एक ही संदर्भ में हम जो है एक ही सेंस में हम काउंट करते हैं। ये फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। सेकंड पॉइंट, इट मे बी मोनोकार्पेलरी वन पिस्टल और मल्टी कार्पेलरी जो है उसमें बहुत मोर देन वन पिस्टल जो है। इसमें जो कार्पेल हो सकती है वो मोनोकार्पेल भी हो सकती है, यानी कि किसी प्लांट में कार्पेल एक भी हो सकती है, जिसे वन पिस्टल कह सकते हैं, मोनोकार्पेलरी कहेंगे इस स्थिति को। और अगर कार्पेल बहुत सारी हैं फ्लावर के अंदर तो उसे मल्टी कार्पेल जो है कहेंगे। द पिस्टल मे बी फ्यूज्ड इन वन सिनकार्पस और थ्री एपोकार्पस। अगर पिस्टल जो हैं वो फ्यूज्ड हैं, यानी आपस में जुड़े हुए हैं अगर, तो ऐसे पिस्टल जो आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो उनको कहेंगे हम सिनकार्पस। सिनकार्पस ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सिनकार्पस और एपोकार्पस के बारे में पूछा जाता है। तो जो आपके पिस्टल जहाँ पर फ्यूज्ड हैं वो आपस में अगर जुड़े हुए हैं तो उसे सिनकार्पस कहा जाएगा, लेकिन अगर वो फ्री हैं और फ्री तो हम कहेंगे उनको एपोकार्पस। तो यहाँ पर नाम से ही पता चलता है, जैसे कि वर्ड था सिनगैमी हमने पिछली बार पढ़ा था जो फर्टिलाइजेशन में था, तो वो वही वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहा है। कार्पस से कार्पल होता है और सिन से मतलब जुड़ना, तो सिन कार्पस। कार्पस जब फ्यूज होती हैं तो सिन कार्पस उनको कहा जाता है, और अगर वो फ्री हैं तो हम उसे एपोकार्पस कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पार्ट्स ऑफ ए पिस्टल। पिस्टल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो ईच पिस्टल कंसिस्ट ऑफ जो है यहाँ पर पार्ट्स दिए गए हैं। इसके कौन कौन से पार्ट्स जो हैं किसी पिस्टल में पाए जाते हैं, तो सबसे पहला पार्ट जो है वो पिस्टल का स्टिग्मा। स्टिग्मा का क्या काम होता है, रिसीव द पोलन ग्रेन। स्टिग्मा क्या करता है, वो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। जब पोलन एंथर में जो है पोलन को ये एंथर मैच्योर हो जाता है, उसमें पोलन ग्रेन भी जो मैच्योर हो जाते हैं, तो उस स्थिति में स्टिग्मा जो है वो भी रिसीवेबल हो जाता है। तो एंथर में से जैसे ही एंथर बस्ट होता है तो उसमें से पोलन ग्रेन निकलते हैं तो वो स्टिग्मा पर गिर जाते हैं। तो इस स्थिति में स्टिग्मा पर जब गिरता है तो इसी को क्या कहते हैं, रिसीव द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को ये स्टिग्मा रिसीव कर लेता है। और इसका पार्ट कौन सा होता है, स्टाइल। स्टाइल इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बिलो द स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे जो लंबाई में बढ़ा हुआ भाग होता है, स्लेंडर पार्ट होता है, जिसे बेलनाकार भाग भी कहते हैं, वो बिल्कुल इसके नीचे होता है स्टिग्मा के, तो उसे हम स्टाइल कहते हैं। फिर आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। इस नेक्स्ट पार्ट आता है इसी का ही, ओवरी। बल्ज बेसल पार्ट, बल्ज यानी कि फूला हुआ, बेसल पार्ट यानी कि जो बिल्कुल बेस में होता है, कंटेनिंग द प्लेसेंटा, और इसमें प्लेसेंटा नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो इसे हम ओवरी कहते हैं। तो पिस्टिल में ये तीन पार्ट पाए जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, विच इज़ लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन वैक्यूल कैविटी। जो प्लेसेंटा होता है उसमें क्या होता है कि विच इज़ लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, यानी कि जो ओवरी की कैविटी होती है उस पर ये लोकेटेड होती है। द प्लेसेंटा कंटेन द मेगा स्पोरेंजिया। प्लेसेंटा में क्या होते हैं, मेगा स्पोरेंजिया होते हैं। मेगा स्पोरेंजिया यानी कि
मैगा मतलब बड़ा, स्पोरेंजिया मतलब ऐसा पार्टिकल या ओव्यूल इसको कहते हैं। तो प्लेसेंटा के अंदर बहुत सारे मैगा स्पोरेंजिया या फिर एक या एक से ज़्यादा मैगा स्पोरेंजिया या फिर ओव्यूल्स जो हैं वो हो सकते हैं। ओव्यूल्स एराइज फ्रॉम ओव्यूल्स और मैगा स्पोरेंजिया। जो ओव्यूल्स एराइज होते हैं या बनते हैं यानी उनका निर्माण जो होता है वो किस में होता है, मैगा स्पोरेंजिया के अंदर इनका निर्माण होता है, ओव्यूल्स वहीं से एराइज होते हैं, यहाँ पर ये बताया गया। अब हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ी है कि पिस्टल में इतने सारे पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तो इन पार्ट्स को हम जो है यहाँ पर स्टडी करेंगे इस डायग्राम से। यह मैंने डायग्राम बनाया है, ये जो है इस डायग्राम में ये स्टिग्मा दिखाया है। स्टिग्मा नाम की स्ट्रक्चर है जो कि ये 1, 2, 3, 4, 5 ये स्टिग्मा है। इसमें एक भी स्टिग्मा की स्ट्रक्चर एक भी हो सकती है कंबाइंड, और बहुत सारे स्टिग्मा भी हो सकते हैं। ये स्टिग्मा जो जैसे कि हिबिस्कस प्लांट में जो आपका गुड़हल का जो फूल है उसमें होता है, तो इस तरह का स्टिग्मा ये वाली स्ट्रक्चर मैंने बनाई है। तो इसमें जो है स्टिग्मा पार्ट जो है ये सबसे आगे वाला पार्ट स्टिग्मा कहा जाता है। ये पोलन को रिसीव करता है और इसके पीछे वाला भाग जो हमने पढ़ा था अभी पहले कि उसके बाद वाला पार्ट जो आता है वो स्टाइल आता है। ये लॉन्ग है, इलोंगेटेड है, काफ़ी लंबा है और जो है स्लेंडर भी है यानी कि बेलनाकार भी है। और इसके बाद वाले पार्ट को कहते हैं ओवरी। ओवरी के नीचे जो पार्ट होता है ये थैलेमस होता है, जिसे पुष्पासन भी कहा जाता है जिसमें जो है। और ओवरी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स जिसमें अरेंज रहते हैं ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पर जिसपे ओव्यूल्स रहते हैं इसे प्लेसेंटा कहा जाता है। यहाँ पर प्लेसेंटा जो मौजूद होता है जिसमें कि ओव्यूल्स जो है ओवरी के अंदर स्थित रहती हैं। तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों मिलाकर के पिस्टिल, इसी पूरी कंबाइंड स्ट्रक्चर को पिस्टिल कहा जाता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी प्लांट का इसको हम कहते हैं। यहाँ पर इसका मैंने लिखा है हिबिस्कस शोविंग पिस्टिल एंड अदर पार्ट्स रिमूव्ड। यहाँ पर हिबिस्कस पिस्टिल को शो कर रहा है और इसमें अदर पार्ट्स जो है रिमूव कर दिए गए हैं, जैसे कि पेटल्स यानी कि पत्ते होते हैं इस रेड कलर के इसके, और इसमें एंथर्स जो है उनको नहीं दिखाया गया है, सिर्फ इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को समझाया गया है। फिर आगे यहाँ पर बात आई थी कि हमने बात की थी कि भाई ओवरी सिनकार्पस होती है, एपोकार्पस होती है, तो वो किस तरह की होती है। यहाँ पर ये जो डायग्राम है वो सिनकार्पस ओवरी का है। सिनकार्पस पिस्टिल या ओवरी, ये पपावर यानी कि पपीते की जो प्रजाति है उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर इसमें दिखाया गया है स्टिग्मा ही सबसे ऊपर स्ट्रक्चर है, ये स्टिग्मा है पूरा का पूरा, और इसमें इस जो ओवरी है वो सिनकार्पस है, यानी कि यहाँ पर ओवरी जो है वो फ्यूज्ड है इनसे। यहाँ पर इसमें जो है ना तो स्टाइल है ना कुछ है, और ये पूरी की पूरी इससे स्टिग्मा के साथ बिल्कुल यहाँ पर जुड़ी हुई है, फ्यूज्ड है, कंबाइंड है। तो इसीलिए इस तरह की ओवरी को सिनकार्पस ओवरी यहाँ पर कहा जाता है। इसके आगे हम नेक्स्ट डायग्राम पर चलते हैं। ये डायग्राम भी आपकी बुक में है। ये डायग्राम किस तरह है, ए मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गानोशियम ऑफ माइशेलिया। जो माइशेलिया जो प्लांट है, माइशेलिया जो है ये इसमें दिखाया गया है कि ये एपोकार्पस है, इसमें एपो फ्री है सारी की सारी जो पिस्टिल है और या फिर जो गाइनोशियम है वो फ्री है। ये माइशेलिया नाम के प्लांट में है। किस तरह से ये जो है वो फ्री है, ये ऊपर से तो देखो फ्री है, यहाँ पर ये सब के सब फ्री है, ये भी अलग है, ये भी अलग दिखाई दे रही है, ये भी अलग दिखाई दे रही है, ये अलग, तो ये सब एपोकार्पस हैं। लेकिन ये फ्यूज़ कहाँ से, नीचे की तरफ से फ्यूज़ है आपस में, यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह की जो कार्पल होती हैं उनको एपोकार्पस स्ट्रक्चर कहा जाता है। यहाँ पर जो एग्जांपल दें माइशेलिया नाम के प्लांट में जो है ये दिखाई गई है। तो इस तरह से हम किसी पिस्टिल के स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं, पिस्टिल क्या है, पिस्टिल के पार्ट्स कौन से होते हैं, मोनोकार्पल क्या होता है, मल्टीकार्पल क्या होता है, सिनकार्पस या एपोकार्पस क्या होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इनके ये कौन कौन से पार्ट होते हैं, इनका डायग्राम जो है वो प्लेसेंटा क्या है, कौन सी स्ट्रक्चर है ये, कहाँ पर प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है, और मैगा स्पोरेंजिया क्या होता है, और ये डायग्राम, ये सब डायग्राम आपको बनाने हैं। और डायग्राम आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, आपको ये ड्रॉ करने हैं, सिर्फ आप पेंसिल से इन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पर पहुँचते हैं। यहाँ तक तो हमने पिस्टिल के बारे में स्टडी कर लिया, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर पहुँचते हैं मैगा स्पोरेंजियम। मैगा स्पोरेंजियम क्या होता है, मैगा स्पोरेंजियम ओव्यूल को कहते हैं, यानी कि जिसमें ओव्यूल होती हैं तो मैगा स्पोरेंजियम इसको कहा जाता है।
मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल। ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा। ओव्यूल जो होती है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर होती है जो कि प्लेसेंटा से अटैच रहती है या फिर जुड़ी हुई रहती है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं उनको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहला पार्ट है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल इज ए स्टाक बाय विच ओव्यूल अटैच विद प्लेसेंटा। फ्यूनिकल स्टाक की तरह यह जो है एक जो है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो स्टाक के थ्रू जो है ओव्यूल है जो है वो प्लेसेंटा से जुड़ी रहती है या उससे फ्यूज रहती है। फिर उसके बाद आता है पार्ट हाइलम। हाइलम किसे कहते हैं? द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। जहाँ पर ओव्यूल की जो है बॉडी पूरी की पूरी बॉडी फ्यूनिकल से यानी इस वाले पार्ट से जुड़ी रहती है उसे हाइलम कहते हैं। दस हाइलम इज़ द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो हाइलम जो होता है वो जंक्शन है इसका जो कि ओव्यूल के बीच में और फ्यूनिकल के बीच में जंक्शन का काम करता है। फिर आते हैं इंटेगमेंट्स पे। ईच ओव्यूल हैज़ वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप। हर ओव्यूल के अंदर एक या दो प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं या एनवेलप कहते हैं इसको, इनको इंटेगमेंट्स कहा जाता है। इसके बाद आते हैं माइक्रोपाइल पर। माइक्रोपाइल क्या होता है? इंटेगमेंट्स एनसर्किल द ओव्यूल एक्सेप्ट एट द टिप। इंटेगमेंट्स यानी कि जो लेयर होती हैं ये ओव्यूल को एनसर्किल करती हैं, घेर लेती हैं, लेकिन कुछ जगह कुछ पार्ट ऐसा रह जाता है जो टिप होता है या सिरा होता है वहाँ पर स्मॉल स्ट्रक्चर या ओपनिंग जो है वो छूट जाती है, वो उसको कवर नहीं करती है, तो उस जगह को माइक्रोपाइल कहते हैं, ये जो है माइक्रोपाइल कही जाती है। फिर आता है चैलेजा। चैलेजा होता है वो पार्ट, चैलेजा पार्ट जो होता है वो अपोजिट साइड ऑफ माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल मान लिया नीचे है तो ये ऊपर होगा चैलेजा, और माइक्रोपाइल ऊपर है तो चैलेजा बिल्कुल इसके अपोजिट नीचे की साइड में होगा, तो इसलिए इसमें कहा गया है अपोजिट साइड ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड इज कॉल्ड द चैलेजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। यानी कि जो ओव्यूल के बेसल पार्ट को चैलेजा जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें आते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या होता है? ए मास ऑफ सेल्स जो होता है, सेल का मास होता है, ग्रुप होता है जो कि एनक्लोज रहता है विद इन इंटेगमेंट्स यानी कि जो लेयर होती हैं उनके साथ ये जुड़ा रहता है, इसे न्यूसेलस कहा जाता है। और फिर आता है एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को ही एम्ब्रियो सैक कहते हैं और एम्ब्रियो सैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। एम्ब्रियो सैक यानी कि वो चैम्बर या वो जगह जिसमें कि एम्ब्रियो डेवलप होता है। एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट इज लोकेटेड इन द न्यूसेलस। ये न्यूसेलस नाम के स्ट्रक्चर में ये लोकेटेड रहता है। एन ओव्यूल जनरली हैज़ ए सिंगल एम्ब्रियो सैक। हर ओव्यूल के अंदर एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है। फॉर्म फ्रॉम ए मेगा स्पोर थ्रू रिडक्शन डिवीजन। यानी ये एक मेगा स्पोर से बनता है जिसमें कि मेगा स्पोर के अंदर क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन होता है। अब हमने ये पार्ट तो पढ़ लिए जिसमें कि हमने पढ़े आपका फ्यूनिकल, हाइलम, इंटेगमेंट्स, माइक्रोपाइल और चैलेजा, न्यूसेलस और आपका ये एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये आपका डायग्राम है मेगा स्पोरेंजियम, इसको डायग्राम कहते हैं, डायग्राम ऑफ मेगा स्पोरेंजियम और ओव्यूल। ओव्यूल में जो ये पार्ट हमने पढ़े हैं वो कैसे कैसे अटैच रहते हैं, इससे किस तरह से कहाँ कहाँ पर लोकेटेड होते हैं ये बताया गया। फ्यूनिकल ये देखिए, ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है फ्यूनिकल कहते हैं। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है फ्यूनिकल से ये जो लेयर जुड़ी रहती है इसे हाइलम कहा जाता है। फिर माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो है जिसकी हम बात कर रहे थे जो कि अनकवर्ड है, इसलिए पूरी तरह से कवर्ड नहीं है, बाकी सब कवर्ड है, तो इसलिए इस वाले छेद को माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के बिल्कुल अपोजिट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है जो इसके अपोजिट में है, हमने कहा था माइक्रोपाइल के एंड में जो है वो चैलेजा हमेशा उल्टा होता है, तो चैलेजल पोल जो है इसको कहा जाता है। फिर इसके बाद आते हैं माइक्रोपाइलर पोल पे। ये तो माइक्रोपाइल था, ये माइक्रोपाइलर का पोल है या सिरा है, ये इसको माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं। फिर आते हैं इंटेगमेंट्स। इंटेगमेंट्स यानी कि लेयर्स पे, परत पे जो ओव्यूल के ऊपर कवर करके रहते हैं, ये है आउटर इंटेगमेंट। ये सबसे बाहरी वाली, सबसे बाहर वाली जो परत है इसको आउटर इंटेगमेंट या लेयर इसको हम कहेंगे। फिर आता है दूसरा, ये है न्यूसेलस। इसके अंदर वाली परत जो होती है वो न्यूसेलस जो है वो कही जाती है। फिर उसके बाद एम्ब्रियो सैक जो है, यहाँ पर सबसे अंदर जो है ये एम्ब्रियो सैक होता है, यहाँ पर जो है एम्ब्रियो डेवलप होता है। आउटर इंटेगमेंट के बाद ये जो है इनर इंटेगमेंट है,
तो ये वाली परत यहाँ पर इनर एंटेंगलमेंट कही जाती है। फिर उसके बाद म्यूसेलस और फिर एम्ब्रियोसैक। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं किसी भी मेगास्पोरेंजियम की या फिर ओव्यूल की स्ट्रक्चर जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डायग्राम के साथ आप जो है वो लर्न करेंगे और अच्छी तरह इस डायग्राम को अपने नोट्स के साथ साथ जो है बना करके तैयार रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जो स्टडी की है पिस्टल के पार्ट्स जो हैं वो सारे के सारे, उनके डायग्राम, सिनकार्पस ओवरी, एपोकार्पस ओवरी, और इसके साथ साथ हमने ओव्यूल का जो डायग्राम है जिसमें कि मेन पार्ट्स, इन पार्ट्स को बहुत अच्छी तरह लर्न करेंगे जो कि पार्ट इसके इसमें दिखाए गए हैं। हाइलम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल पोल, आउटर इंटेगमेंट, न्यूसेलस, एम्ब्रियोसैक, चैलाजल पोल, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह लर्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।